سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافيا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين سم آمين تفسير سورة البقرة رقم نمبر 39 آية نمبر 282 या आमनू तुम इला हु। ए जो ईमान लाए हो जब तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तदाइ तुम बाहमी तौर पर सूद का लेन देन करो तुम साथ कर्ज का लेन देन करो तुम साथ कोई एक कर्ज तरफ एक खास मैयाद के तो तुम उसको लिख लिया करो बेद कहते हैं कर्ज को ये आयत कुरान की सबसे तवील और सबसे लंबी आयत है और इस आयत को आयत दैन कहा जाता है ये वो आयत है जिसमें कर्ज के हवाले से जबता तरीका शरीयत में क्या तजवीज किया गया है उसकी बड़ी ही बारीकी के साथ निशानदेही फरमाई गई अहमियत पता चलती है खास चीज की आप देखें कि कर्ज बुनियादी तौर पर माल का लेना देना है माल बसाते खुद एक बहुत बड़ा फितना है माल की मोहब्बत दिल में बहुत गहरी घड़ी हुई और रची बसी है हिरस हवस तमा लालच बुखल ये माल की गंदे जज्बात हैं और ये माशरे में हर माशरे में बहुत आम है माल का लेना देना बहुत बड़े फितने फसाद का जरिया बनता है और कुरान का ये मिजाज नहीं दीन इस्लाम का ये अंदाज नहीं कि इस्लामी माशरे के अंदर मुसलमानों के दरमियान तनाजा हो झगड़ा हो आपस में किसी किस्म के जिदाल और लड़ाई का मामला हो तो लिहाजा माली मामला कर्ज का लेन देन ट्रांजेक्शन एंड इंटरक्शन ऑफ मनी चूंकि इसमें फितने फसाद और लड़ाई झगड़े का इम्कान है तो अल्लाह ने कुरान की सबसे बड़ी आयत बयान करके तवील आयत में कर्ज के मामला को वाज तौर पर बता दिया ताकि ये माल के लेन देन के चक्कर और कन्फ्यूजन और इबाम के अंदर कहीं इस्लामी माशे के अंदर फितना फसाद और लड़ाई झगड़ा ना रूनुमा हो जाए मुसलमानों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई इंतहाई नापसंदी थी मोमिनों के दरमियान बदमसगियां हार्श फीलिंग्स तलखियां और ताल्लुक का बिगाड़ ये इस्लाम के दीन के मिजाज के बरखिलाफ है शरीयत क्या चाहती है मुसलमानों के दिल मोहब्बतों से भरे हो इस्लाम का मिजाज क्या है कि इस्लामी माशरे के अंदर मोहब्बत हो अखुवत हो खैर खाकी हो इखलास हो इशार हो एक दूसरे के लिए दिनों निगाह छावर हो तो इस्लाम का माशरा वो मतलूब माशरा है कि एक आने में बकरी का सदका होता है बकरी की सिरी वो घर वाले साथ वाले हमसाए को अपने से ज़्यादा हकदार समझ के उसको भेजते हैं उस घर में जाती है वो समझते हैं बड़ी देर के बाद उनके पास भी बकरी की सिरी आई लेकिन वो समझते हैं हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हमसे ज़्यादा डिप्राइव फला घर है वो अपने अगले हमसाये को वो हमसाये अपने ज़्यादा ये असुरुनाला अनफ अपनी जातों पर दूसरे को वो मदीना की बस्ती के लोग तरजीह देते हैं ये है इस्लाम का माहौल ये है कुरान का पैदा करता माशरा और वो बकरी की सीरी चलते चलते घूमते घूमते वापस उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ से चली हर शख्स अपनी ज़ात पर दूसरे को मुकदम समझता है अपने पेट से दूसरे के ज़बान के मज़े को और किसी के लुत्फ़ और सरूर को अपने ज़बान से बेहतर समझता है ये है वो इस्लामी माहौल और माशरा जो पनपता है जब कुरान के अहकाम नाफिज होते और ये माहौल है कुरान का मतलूब माहौल इस मतलूब माहौल में शरीयत और कुरान ये नहीं चाहती कि मुसलमान माली मामला थोड़े मोटे लेन देन के मामला पे एक दूसरे की गर्दनें काटने लगे एक दूसरे के गरेबान पकड़ने लगे एक दूसरे को गाली गलोच कहने लगे तो इसको अवॉइड करने के लिए अल्लाह ने सबसे लंबी कुरान की आयत के जरिए आयत दिन के जरिए कर्ज जो कि एक बहुत बड़ा झगड़े और तनाजे का ज़रिया बनता है उस कर्ज के मामल की बदमसगियाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हर किस्म के तनाज़े से बचने का तरीका इवाल्व करके समझा दिया फरमाया जा रहा है कि लोगों जो ईमान लाए हो जब किसी मुकर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो आपको पता है कि कर्ज देने वाला जब मालदार किसी दूसरे को मकरूज को कर्ज़ देता है तो एक मियाद तो मकरर हो जाती है ना कि इतनी देर के बाद तुम्हें ये माले मकरूजा मुझे वापस करना है कर्ज यही है और अगर वापस करने का तक ना हो तो वो तो फिर सदका होता है वो तो सदका है अगर किसी ज़रूरतमंद को दे दिया तो वो तो सदका है लेकिन अगर वापस लेने के अंडरस्टैंडिंग पर कोई किसी को माल या उधार या लोन देता है तो इस वापस लिए जाने वाले माल को कर्ज़ा कहा जाता है और इसकी मयाद जरूर मुकर कर ली जाती है तो यह सबसे पहली बात कर्ज़ में मियाद क्लियरली मुक्र करना ज़रूरी है और सिर्फ उस मैयाद को कौली और फेली तरीके से नहीं उसको लिख कर मुकर करना फ़क तो अल्लाह का हुक्म है याद रखिएगा अल्लाह सुबहाना तला ने कुरान में जहां हुक्म दे दिया वो फरीज दीन बन जाया करता है फकू हु करो अकी मुँह कायम करो आ तो अदा करो तो लिहाजा ये हुक्म है कर्ज के लेन देने पर मैयात को लिखना मयात का मुक्र करना और फिर उसके बाद लिख लेना इसका हुक्म दिया जा रहा है सिर्फ लिखने का हुक्म नहीं आगे लिखने का पूरे का पूरा डिटेल में तरीका बताया जाएगा कौन लिखाएगा कौन लिखेगा लिखने वाला क्या करे लिखवाने वाला क्या करे गवाह कैसे बनाओ कि हमारा दीन कौन सा दीन है अलियामा अकमल तो नकुम दीनकुम व अतम तो अल नेमती और ऐसी आयात इस बात की गवाही देती है कि कामिल जाम कंप्लीट मुकम्मल दीन है इसी के लिए तो इसकी क्यामत तक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया था तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब कर्ज का मामला गोया कर्ज जायज़ है वैसे तो कहते हैं ना कर्ज मोहब्बत और उधार ये मोहब्बत की कैंची है लेकिन मोहब्बत की कैंची बनने से बचने का तरीका इस आयत में समझाया जा रहा है कि जब तुम कर्ज लो तो मैं याद मुकर हो जानी चाहिए वेल डिफाइंड और फिक्स्ड होनी चाहिए और फिर सिर्फ ज़बानी तौर पे नहीं फक्त बो इसको लिख लिया करो वालिया तो बिना कम कातब और तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला जो है उसको लिख लिया करे बिलअदली और लिखने वाला कातिब लिखेगा का कैसे अदल के साथ और इंसाफ़ के साथ ज़्यादी नहीं करेगा कि वो कर्ज़ की मकदार को ज़्यादा लिख दे वो देने वाले के हक में अगर झुक गया तो वो लिख मकदार ज़्यादा लिख दे और मकरूज के हक में झुक गया तो मकदार कम लिख दे या मकरूज के हक में वो ज़रा नरमी करेगा तो मयाद को लंबा लिख दे नहीं जब लिखने वाला लिखेगा तो उसको अदल करना है इंसाफ करना है सच्चाई के साथ मामला करना है वलिया बात बुन और इनकार भी ना करे कोई लिखने वाला ये कि वो उसको लिखेगा बस चाहिए कि वो लिख दे आपको पता है कि हयात तयबा के दौर में मदीना में लिखने पढ़ने वाले लोग बहुत थोड़े थे लिखना पढ़ना वॉज़ नॉट अ नॉम इतना रिमोट समाज था लिखना पढ़ना सबको तो नहीं आता था लेकिन आपने इसको बहुत पसंद किया आपको पता है कि बदर के जब सत्तर सत्तर सरगना लोग मुश्किन मक्का के काबू आए थे और कैदी बने थे तो उनमें से बहुत से बहुत से सरदारा ने कुरैश का फ़िदिया रिहाई का क्या था कि तुम्हें लिखना पढ़ना आता है मदीना के मुसलमानों में से हर एक को कहा गया था कि हमारे दस दस लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दोगे तो ये तुम्हारा रिहाई और तुम्हारा फिदिया बन जाएगा तो लिहाजा लिखने वाले लोग उस माशरे में बड़े थोड़े थे तो ऐन इमकान तक एक लिखने वाला लिखना जानता हो लेकिन उसको कोई कहे कि भाई लिख दो वगैरह मैं क्या मुझे चट्टी पड़ गई हर वक्त लिखने के लिए मुझे ही बुलाया जाता है या मैंने कोई नहीं लिखना लिखाना मैंने नहीं तुम दोनों में पढ़ना पढ़ाना भाई मुझे माफ रखो नहीं जब अल्लाह सुबहाना ताला ने किसी को वो सलाहियत इस्तात दी है जो बहदसों के पास नहीं है अल्लाह ने ये नेमत से नवाजा है कि तुम्हें लिखना पढ़ना आता है तो तुम्हें अगर कोई अल्लाह का बंदा अपनी खिदमत के लिए अदल के लिए इंसाफ के लिए माशरे में लड़ाई झगड़े के खात्मे के लिए अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए या तालुकत के बिगाड़ के लिए कोई तुम्हारी तरफ लिखने लिखाने के लिए रजू करता है तो अल्लाह की खुदादात नियमत और इस्तात के इस्तेमाल के लिए इनकार ना किया करो ये है वो एहसान का तरीका जो शरीय मुझसे आपसे हर ही खुदादाद इस्तात पर चाहती है याद रखिएगा मेरे और आपके पास जितना इल्म है जो फन है जो सलाहियतें हैं इससे मेरा और आपका कमाल नहीं है वह माँ तोफी की अला बिल्ला ये का करम है उसकी देन है उसका एहसान है किसी को सीना परोना आता है किसी को पकाना आता है किसी को लिखना आता है किसी को बोलना आता है किसी का कोई डॉक्टर है किसी को पढ़ाना आता है किसी के पास दुनिया का इल्म है किसी के पास कोई फन और हुनर है तो वो उसका अपना कमाल नहीं अल्लाह का करम अल्लाह का इनाम है कि उसने उसको नेमत से नवाज दिया जिसे बहुतों को महरूम कर दिया अल्लाह की खुदादात सलाहियतों फ़न इलम हुनर पर तकबर नहीं करना घमंड नहीं करना गरूर नहीं करना तफाखर नहीं जताना, इतराना नहीं ये सारी के सारी फन हुनर इलम इनके हवाले से दो बातें याद रखिए। एक तो ये अल्लाह की अमानत होती हैं और दूसरे ये अल्लाह की नेमत होती हैं जो आपके पास इस्तात और जो आपके पास सलाहियत फन हुनर है अल्लाह की नेमत है उसका शुक्र करें तकबर की नफ़ी करें और जो नेमत अल्लाह की आपके पास वदियत है उसको अमानत समझ के उसमें खयानत ना करें गोया शुक्र और इस अमानत की अदायगी का बेहतरीन तरीका क्या है कि जब अल्लाह कोई सलाहियत देता है उस सलाहियत को अल्लाह के बताए हुए अल्लाह के वजा करदा हदूद और दायरे के अंदर इस्तेमाल करना है उस सलाहियत को हदूद अल्लाह से तजावज में इस्तेमाल नहीं करना हराम में इस्तेमाल नहीं करना बदकारी में इस्तेमाल नहीं करना अल्लाह की नाराज़गी और गुनाह के कामों में इस्तेमाल नहीं करना अपनी खुदादात सलाहियतों को और इस्तातों को और दूसरा शिक्र और अमानत की अदायगी का तरीका यह है कि अल्लाह की दीवी इनाम को और अल्लाह की दीवी इसतात को अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है यही बात सिखाई जा रही है अगर अल्लाह ने तुम्हें लिखने पढ़ने की सलाहियत से नवाजा है कोई अल्लाह का मजबूर बंदा जो लिखना पढ़ना नहीं जानता ये तुम्हारे पास अपने किताबत के लिए आया है तो लिखने से इनकार ना करना गरूर और घमंड ना करना उसमानत में ख़यानत ना करना अल्लाह की दीवी नेमत में न शुक्री का इरतक न करना अल्लाह की दीवी नेमतों को अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए आजी और इनकसारी से पेश कर देना अल्लाह कबूल भी फरमा ले अल्लाह ने फरमाया कि उसे लिख लेना चाहिए गोया लिखने की ताक़ कर दी अब लिखेगा कैसे वो लिखे दिखवाएगा कौन इमला वो शख़्स करवाएगा जिस पर हक़ आता हो देखें दिन कितनी बारीकी के साथ बताते हैं और देखेंगे ये कुरान नलीम रब की तरफ़ से है अगर ये तरीका किसी इंसान का इख्तियार करता होता और ये अहकाम किसी इंसानी जहन की अखतराबाजी होते तो इन में बड़ी गलतियाँ होती बड़े गलतियाँ बड़े असूल गलत निकलते फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता फिर उसमें मसाइल होते फिर इंसान के बनाए हुए कानून ऐसे ही होते हैं इंसान जब कानून बनाता है तो हमेशा उसके अंदर कमियाँ कोताहियाँ नजर आती हैं और फिर अगला कानून उससे बेहतर बनाता है अरे इंसान तो जब गाड़ी बनाता है तो फिर अगला मॉडल उससे बेहतर बनाता है कि नहीं इंसान की तख्लीक़ ऐसी ही इंसान की सोच ऐसी ही इंसान के कानून नाक़ ही होते हैं इंसान के बनाए हुए जबते हमेशा नुख्सों से पाक नहीं होते अल्लाह का बनाया हुआ कानून का अल्लाह का बनाया हुआ जबता अल्लाह का वजा करदा दीन और तरीका मुकम्मल है जामे है कम्प्लीट है और परफेक्ट और बेअैब है अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से सीख कर नहीं कुरान की तालीम से सीख कर अपने ज़िंदगी को उसवार करके कामयाबी पाने वाले बन जाए अल्लाह ने कहा कि लिखेगा वो और इमला वो शख्स कर नहीं। जिसने माल दिया है ज़ाहिर है वही डिक्टेट करवाएगा यानी कर्ज़ लेने वाला और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए जो मामला तय हुआ है उसमें कोई कमी बेशी ना करवाए अब बात समझ में आई दो लोगों ने आपस में कर्ज का लेन देन किया तीसरे के पास गए हमने मियाद लिखनी है हमने अमाउंट लिखनी है प्लीज़ तुम हमें लिख दो हमें लिखना पढ़ना नहीं आता वो तीसरा लिखेगा डिक्टेट कौन करवाएगा जिसने कर्ज़ दिया लेकिन इसमें क्या इम्कान है वो कातब में इमकान था कि वो भी ना इंसाफ़ी कर ले उसको भी समझा दिया देखो अदल का दामन ना छोड़ना अब डिक्टेट करवाने वाले के अंदर भी गुंजाइश है कि वो भी कम ही करे उसको अल्लाह का तकवा सिखा दिया गया जिस रब ने माल दिया है ना उस रब के हजूर तुमने हाजिर होना है अल्लाह का तकवा करके अपने कर्ज़ की अमाउंट ना बढ़ा देना लिखते वक्त अगर अमाउंट ज़्यादा कर दी तो देने वाले को उतना ही वापस करना पड़ेगा या मैं ना कम कर देना तुम क्या करो अपने रब से डरते रहे जो मामला तय हुआ है उसमें कोई कमी बेशी ना करे लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद ना हो यानी जिसने माल दिया उसके पास माल तो है लेकिन अकल नहीं है इतनी होश नहीं है देखा दीन कितना कंप्लीट है छोटे छोटे बातें तक बता रहे कि मालदार शख्स अगर इस काबिल भी नहीं है कि वो डिक्टेट करा सके अल्लाह की देन है ना कई दफ़ा ऐसे मुगफ़ल बुधुओं को भी अल्लाह माल से नवाज देता है अल्लाह ने इसको माल दिया वह ये कर्ज दे रहा लेकिन इतनी होश नहीं है कि वो डिक्टेट करा सके अगर वो कर्ज़ लेने दाला खुद नादान हो वो ज़यीफ़ हो और इमला न करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला करवाए। लेकिन लगातार किस चीज़ की अहमियत तकवा और इंसाफ माली मामलात और म्यूचुअल डीलिंग्स में अगर तकवा औरल नहीं होगा तो बेगाड़ लाजिम है मोमिनों के बाहमी ताल्लुक में अगर तकवा और अगर अदल हाथ से उठ जाएगा दिल से तकवा और रवैये से अदल निकल गया तो बिगाड़ लाजिम है माशरे में अदल के लिए इत और अदल उसके अमन और इस्तेकाम के लिए लाजमी कुंजियाँ अल्लाह इन दोनों को थामने की तोहफी खिताब फरमा अच्छा जब ये लिखने पढ़ने का मामला हुआ तो फिर सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं किया जाएगा अल्लाह सुबहाना तला इंश्योर कर रहे हैं बदमजगी ना हो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो फिर अपने मर्दों में से दो आदमी उस पर गवाह भी कर लो लिखा भी जा रहा है लिखवाया भी जा रहा है डिक्टेट भी हो रहा है वो नहीं लिख सकता किसी और को मुकर दिया भाई तू डिक्टेट कर दे लेकिन लिखत पढ़ते वक्त दो गवाह बना लो दो गवाह कौन है दो मर्द को गवाह बना लो और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें एक मर्द की जगह दो औरतें ये दो औरतें क्यों अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करवा दे और ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो ये जो यहाँ पे हुक्म आया कि माली मामला कर्ज और मॉनिटरी मामलों की इंटरेक्शन में लिखते वक्त दो मर्द गवाह बनाओ और अगर दो मर्द गवाही के काबिल तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो तो एक मर्द को रिप्लेस कर दो दो औरतों से ये वो कुरान का हुक्म है जो बसा गैर मुस्लिम ताकतें इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं खवातिन इस्लाम को भड़काने के लिए बहुत से इश्यूज इस्लाम के खिलाफ रेस किए जाते हैं वो कहते हैं कि खवातीन ने इस्लाम को अल्लाह ने कैद कर दिया वक्रना फ़ी बूत कुन्ना चलो जी घर की चार दीवारी में कैद बस कुंडी ताला लगा हुआ बस तुम बाहर नहीं निकल सकती शरीयत ने इनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी शरीयत ने इनको बहुत एक प्रोपेगेंडा मौजूद है मर्दों को इनके ऊपर कमाम बना दिया जाबिर हंटर मानने वाला फिर मर्दों को इनको मारने की पीटने की इनकी चुटिया काटने इनके नाक काटने की इजाज़त दे दी पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा मशहूर है आयत भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जिसको मिस यूज किया जाता है और भोली भाली खुवा इस्लाम उनके चुनगल में फंस भी जाती हैं वो कहते हैं कि जी इस्लाम और दीन इस्लाम की शरीयत में एक मर्द के बराबर दो औरतों की गवाही है। खुदारा ये हरगिज ऐसा नहीं है अगर आप समझ रही और हल्की सीजी शूर है तो आप इस बात को मेरा ख्याल खुले दिल से समझ सकती हैं कि सुबहाना ताला ने इस हुक्म के ज़रिए ये इम्प्लाई नहीं किया और ये इम्प्लिकेशन हरगिज इम्पोज़ नहीं होती कि अल्लाह सुबहाना ताल के नज़दीक औरत आधी अक़ल वाली है या मर्द की अक़ल होश हवास औरत से दुगना है या कोई इस हुक्म के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ आधे और मर्दों के हकूक़ डबल नहीं कर दिए गए या कोई इस हुक्म के इतलाक़ पर मर्दों के फरज़ आधे और औरतों के फराइज डबल नहीं कर दिए गए कोई इस हुक्म का इतलाक़ ये भी नहीं है कि मर्दों को नेकियों का जजा डबल मिलेगी औरतों को आधी मिलेगी कोई इंप्लिकेशन ऐसी नहीं है मैं ज़कर ना उनसा बराबर है शरीयत में ये यहाँ पर ख़ास स्पेसिफाइड हालत के लिए औरतों की गवाही आधी रख दी गई है अक्ल नहीं बन जाती उम्मत की औरतें मर्दों के मुकाबले में औरत तो बड़ी जीरक है औरत तो बड़ी ताकतवर है मां है बहन है बेटी है हर दर्जे में बड़ी मोहतरिम है इस्लाम के अंदर कोई अल्लाह ने हमें निस्फुल अकल नहीं बना दिया मर्दों में हमारी गवाही को आधा करके ये खास एक स्पेसिफाइड हालत और सफेर ऑफ लाइफ के लिए औरतों की गवाही को मर्दों से आधा रखा गया है और ये शोभा कौन सा है जिंदगी का यह माली मामला कारोबार बिजनेस मनी ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन और ये वो शोबा है माशरती जिंदगी का जिसमें खात का तजुर्बा खातिन का एक्सपोजर जनरली अमूमी तौर पर बहुत कम है हाँ माशरे की कुछ चीदा चीदा खातन जो ताजर हैं जो माल रखती हैं बे हैं वो ये काम करती हैं उनका एक्सपोजर तो शायद होगा और उनके पास तो इन मामले की नॉलेज है अगर आज के पढ़े लिखे माशरे में भी देख लें तो मेरा ख़्याल है हमारे माशेरे के अंदर आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर हमारे माशरे और हमारे माहौल के अंदर भी मैं अगर कहूँ कि पचास फ़ीसद ख़वात को चेक लिखना नहीं आता तो क्या ख्याल है मैं गलत कह रही हूँ माल का लेन देन लाना देना छोड़ना उस पर बात करना इकनॉमिक मैटर्स ये हैंडलिंग ख़वान का शोबा ही नहीं है ख़वान एक्सपोज ही नहीं है उसका इल्म उसका फ़हम उसका समझ खुवा को है ही नहीं तो जिस चीज़ को मैं एक्सपोज ही नहीं हूँ उसके बारे में मैं मामला कैसे कर सकती हूँ उसकी गवाही मैं कैसे दे सकती हूँ तो महज मामला सिर्फ ये है माशर्ती जिंदगी का वो पहलू वो शोबा वो फील्ड ऑफ लाइफ वो सफ़ेर ऑफ़ लाइफ जिसको खुवान एक्सपोज नहीं है उसका इलम उसका स्किल उसका नो हाव उनके पास नहीं है उस शोबा ज़िंदगी में औरतों की गवाही को मर्दों के मुकाबले में आधा किया गया है उनको निसफ नक़ल नहीं बना दिया गया बस सिर्फ इस वजह से और दूसरी वजह मैं आपको बताऊं अल्लाह सुबहाना ताला ने हसा क्या होता है वो खालिद इज्जत देता है वो दर्जा देता है तो इज्जत रास नहीं आती अल्लाह सुबहाना ताला तो औरत को कोर्ट कचहरी में घसीटना नहीं चाहता उसको कोर्ट कचहरी कचहरी में बाजारों में ये गवाइयां देने के लिए घसीटा नहीं गया शुगर है जिनको गवाह बनाया गया वो जाए गवाइयां दे उन्हीं को मुबारक हो उनकी मर्दानगी, उन्हीं को मुबारक हो उनकी गवाइया कभी जरा कचहरी और कोर्ट में जाके ना खड़े होके देखें तो आपको पता चलेगा इस कदर मुश्किल होता है उस मर्दों के माहौल में जाके गवाही देना कि वहां जाके पता चलता है कि कितना मुश्किल है अकेली खातून का कचहरी में खड़े होकर गवाही देना उसके लिए इतना अमरे महाल और इतना मुश्किल है एक बेहा बाह के लिए कि उस वक्त वाकई ये ख्वाहिश आती है कि शायद मेरे साथ कोई और दूसरी हो अल्लाह सुबहाना तला ने इस ही लिए दूसरी को साथ बना दिया कि तन तनहा अगर इसको कोर्ट कचहरी में जाना भी पड़े अव्वल तो इसको घसीटा ही ना जाए जिस शोबे को यह एक्सपोज नहीं है वहां पे इसको ले जाया ही ना जाए इस पर बेवजह का बोझ डाला ही ना जाए ये घर की रानी है घर में रानी बन के बैठे ये नाजुक सा खूबसूरत सा मेरा शाकार है अपनी खूबसूरती को समेटे उसको कोर्टों कचहरी में मैं क्यों खसीटू उसको नहीं घसीटा गया लेकिन ऐश रास नहीं आई मैंने जाना है मैंने बराबर अच्छा जाओ कचहरी में में और कोर्टों में जाकर धक्के खाना अकेली खातून का काम नहीं किसी एहसास माइश से न डाले वहां पर जाके एहसास और उसी की आसानी के लिए अगर अकेली चली गई उस मर्दों के माहौल में तो दूसरी उसकी हमायती वहां पे सपोर्टर उसके पास मौजूद हो मुझे खुद याद है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के मेडिसिन के बिल्कुल इनिशियल डेज़ में जब मैं डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल में जॉब करती थी तो डी एच क्यू में खातन जब डब्ल्यू होती हैं तो उनके पास मेडिको लीगल केसेस आते हैं और वो मेडिको लीगल केसेस को चेक करने के बाद एग्जामिन करने के बाद वो डब्ल्यू जो है वो उसकी रिपोर्ट भी लिखती है और वो मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्ट उस मेडिकल ऑफिसर को जा के कोर्ट में पढ़ के सुनानी भी पड़ती है अपनी गवाही के तौर पर मुझे याद है कि एक दफ़ा कचहरी जाने के बाद और कचहरी में कोर्ट में खड़े होकर वो मेडिको लीगल रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सारी ड्यूटी इवनिंग ड्यूटी में यही दुआ कर रही होती थी अल्लाह आज कोई एम एल सी ना आ जाए अल्लाह मुझे कोई मेडिको लीगल काटना ना पड़ जाए और जब मेडिको लीगल कट जाता था उसके बाद यही होती थी गवाही और यही दुआ होती थी कि अल्लाह झूठ हो जाए अब ये केस यहीं पर सिमेटा जाए मुझे कचहरी में ना जाना पड़े मुझे याद है वहां पे कचहरी में जाना मुझे सबसे नागँ अपने जॉब के टाइम का मुझे वो सबसे नागँ एक्सपीरियंस लगता है मेडिको लीगल रिपोर्ट की गवाही के लिए कोर्ट में जाना और मैं जिस दिन मेरी गवाही होती थी मुझे याद है मैं सारे डिपार्टमेंट में से ख़ुतन की अपनी कोलीग्स की मिन्नतें कर रही होती थी, थी प्लीज़ मेरे साथ चलो प्लीज़ मेरे साथ चलो और उस वक्त उसके बाद जब मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी तो मुझे हमत समझ में आई कि वाकई हमारा दीन कितना खूबसूरत और कितनी हिकमतों वाला थी हम तो अपने तजर्बों से दीन और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं मेरे अलीम रब ने तो हमें अपने इल्म से ये तरीके वक्त से पहले सिखा सिखाती अल्लाह इन नुस्खों को समेटने इनकी कदर करने और इनको शरा सदर होके होकर ना पी समझ आएं तो इनको अपनाने की तोफ़ी का फरमा और अल्लाह दीन इस खूबसूरत दीन से हर किस्म की बदगुमानी अपने दिलों को भी उससे बचाने और अल्लाह लोगों के दिलों से उन बदगुमानियों को खुरज कर निकालने की तोफ़ी का फरमा तो जी अल्लाह सुबह तरमा दिया कि दो औरतों की गवाही और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर वो शोबा ज़िंदगी जो बुनियादी तौर तो पर ख़ुतिन के लिए है ही नहीं वहाँ पे तो ख़ातून की गवाही दो मर्दों के बराबर रखी गई है लेकिन हमारी शरीयत में बहुत सी बातें ऐसी और बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ पर मर्द की गवाही कबूल ही नहीं की जाती खालिस्त तो औरत की गवाही कबूल की जाती हैस के मामला इद्दत के मामला रजात के मामल मर्द की गवाही मुतबर नहीं है जहाँ जो जिसका फील्ड है जो जिसका एक्सपोजर है उससे पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाएगा तो लिहाजा अल्लाह के अहकाम पर बहुत हमत है अल्लाह सुबहाना ने फिर इसके बाद फरमाया कि गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे हाँ मकबूल हो गवाहों को जब गवाह बनने के लिए पुकारा जाए तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए अरे अल्लाह ने तुम्हें इज्जत से नवाजा है तुम्हें गवाह बनने के लिए पुकारा जा रहा है जब इस्तात थी अल्लाह के बंदों की खिदत में इस्तेमाल करो जब इज्जत है उस मोयज़ की मखलूक के लिए एहसान करो मामला छोटा हो या बड़ा हो मियाद की तयन के साथ उस दस्तावेज़ लिखने में सुस्ती ना करो अगला होकर कर्ज लिया है क्या हजार डेढ़ तो है इसमें क्या लिखूँ ना कोई पता नहीं झगड़ा उस हजार पे ही हो जाए कोई पता नहीं तनाजा दो भाई आपस में गला थाम ले उस डेढ़ हजार के पीछे शैतान तो हमारे होन में रगों में दौड़ रहे माल बहुत बड़ा फितना है तो माल थोड़ा है ज्यादा है फिर भी क्या करो सुस्त उसको लिख लो और लिखने में के... अच्छा चलो हो गया ना अगले हफ्ते लिख लूंगी नहीं जब तुमने माली ट्रांजेक्शन और अपने कर्ज की अदायगी की है मयाती मुकर करो लिखो भी और लिखने में भी सुस्ती ना करो अल्लाह के नज़दीक यह तरीका तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शकू को शुभात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है वजह बता रहे हैं अल्लाह ताली कि ये लिखत पढ़त गवाहों कातिबों गवाहों की ज़रूरत क्यों है ताकि तुम्हारी आपस में बदगुमानी ना हो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा ना हाँ, हाँ जो तजारती लेन देन दस्त बदस्त तुम लोग आपस में करते हो उसको ना भी लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं ये कौन सा ट्रांजेक्शन है इस धात दे उस हाथ ले यानी नकद कैश दिया और एक माल उठा लिया ये बिज़नेस डीलिंग्स जो हैं हमने हज़ार रुपये दिए और दस किलो आटा उठा लिया या इतना माल दिया और इतनी ये चीज़ उठा ली नकद कैश और ट्रांजेक्शन्स पे अगर उधार बाकी नहीं रहा और कैश ट्रांज़ेक्शन्स और माल का इंटरेक्शन हो गया पीछे अगर कोई चीज़ नहीं बच गई तो फिर उसको ना लिखो तो कोई हरज नहीं मगर तजारती मामला तय करते वक्त गवाह कर लिया करो कातिब और गवाह को सताए आना चाहे देखें जहाँ हमारा दीन किसी एक ग्ररोह के लिए नहीं है हर एक को माशरे में कंसिडर किया जाता है हर एक को उसके फरज़ भी सिखाए जाते हैं फ़रज़ में अदल और तकवा की तरफ भी माइल किया जाता है फ़रज़ की अदायगी में सुस्ती से बचने की तरफ भी माइल किया जाता है फ़रज़ की अदायगी में एहसान का तरीका भी सिखाया जाता है लेकिन साथ ही साथ दूसरे तबके की हिफाजत भी की जाती मसा आप देखें अगर वालदेन को हकूक़ सिखाए जाते हैं तो औलाद को भी तरीके सिखाए जाते हैं औलाद के हकूक़ भी हैं औलाद के फ़रज़ भी हैं माँ बाप के हकूक भी हैं माँ बाप के फरज़ भी हैं बीवी भी है के हकूक भी हैं बीवी के फरज़ भी हैं शहर के हकूक और फ़राइज भी हैं इसी तरह शरीय मेहमान नवाजी मेज़बान को सिखाती है तो मेहमान को अतवर सलीका और लिमिट्स भी बताती हमारा दिन जामे है किसी एक के लिए स्पेसिफाइड हुक्म नहीं है हर माशरे में हर कैटेगरी के अहकाम दिए जाते हैं तो फरमाया जा रहा है जहाँ कातिब और गवाह को कहा गया था कातबों अगर कोई लिखने को कहे तो इनकार ना करना अंदुल और तकवा के साथ लिखना गवाहों गवाही के लिए बुलाए जाओ तो तुम भी इनकार ना करना उधर माशरे में लोगों को यह सिखाया जा रहा है अगर कोई अपनी किताब से तुम्हें फैस पहुंचा रहा है कोई अपनी गवाही से तुम्हारी गवाही दे के बदमजगी बचा रहा है तो तुम भी कातिब और गवाह को ना सताना कातिबों और गवाहों को ना सताना यह कुरान का हुक्म है यह फरीज़ा दीन ऐसा करोगे तो गुनाह का इरतकब करोगे अल्लाह के गजब से बचो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज़ का इल्म है आज अगर हम देखें अल्लाह सुबहाना ताली ने गवाही देना इसकी ताकीद भी की गवाही को छुपाने से हदीस में मना भी किया गया झूठी गवाही देने को कबीरा गुनाह भी कहा गया लेकिन साथ ही यहाँ पर गुनाह को गवाह को सताने से मना भी किया गया गवाही देगा वही शख्स एक माशरे में गवाह बनेगा वही शख्स जिसको पता हो कि माशरे में उसको सताया नहीं जाएगा आज हमारे माशरे में गवाहों के साथ क्या हाल किया जाता है धमकियां मारपीट प्रोसिक्यूशन और टॉर्चर यहां तक के कत्ल कर दिया जाता है गवाह अगर धमकी से नहीं बचता उसको अगवा कर लिया जाता है उसके बच्चे को अगवा करके उसको उसको पीनिलाइज किया जाता है उसके साथ सौदा किया जाता है अगर गवाही दोगे तो तुम्हारे बच्चे को हलाक कर दिया जाएगा ये धमकियां हैं धमकी ना दी जाए तो मारपीट होती है टांगे तोड़ दी जाती क्या ख्याल है आपने किस्सा नहीं पढ़ा उस स्कूल मास्टर बूढ़े की जिसकी टांगों के ऊपर गोलियां मार के सरे बाजार उसको उसकी टांगों की हड्डियां तोड़ दी गई थी गवाही तो देने वाले के साथ आज यही किया जाता है पहले डराया धमकाया जाता है फिर मारा पीटा जाता है और अगर मानने के बावजूद वो बाज ना आए तो फिर उसको हलाक कर दिया जाता है हालांकि ये कुरान के एहकाम की खुलम खुल्ला खराब वर्सी और यही तो वजह है कि आज हमारे माशरे में कोई गवाह नहीं बनता आपने बसा का देखा नहीं सड़क पर एक्सीडेंट होता है बे यारो मददगार वो जख्मी सड़क पर पड़ता हुआ तड़पता रहता है कोई आके उसको हाथ नहीं लगाता पकड़ लिया तो गवाही देनी पड़ जाएगी और अगर कोई पकड़ के अस्पताल ले ही जाता है तो अनोनमस पेशेंट बना के उसको डंप करके तो आगे निकल जाता है क्यों क्योंकि आज लोग गवाह बनने से डरते हैं अगर मेरे बारे में ये पता चल गया कि मैं वहाँ पे मौजूद था और मैंने ये सान देखा है तो मुझे गवाही के लिए पुकार लिया जाएगा तो लोग आज माशरे में गवाह बनने से डरते हैं जिस माशरे में गवाहों को सताया जाए और लोग गवाही से डरने लगें आज बदमनी का हाल मेरी और आपकी आंखों के सामने है खुल्म खुला कत्ल खुलम खुला एक्सीडेंट्स खुलम खुला हर किस्म की लूट मार रहजनी डकेती क्यों क्योंकि गवाही देने से लोग डरते हैं खुल्लम खुल्ला जो ये सब कुछ होता है इसकी वजह सिर्फ यह है कि गवाही देता कोई नहीं और गवाही देता कोई नहीं क्योंकि गवाहों को सताया जाता है यह बात पल्ले से बांध लीजिए कुरान के एक हुक्म की जब नफी और नाफरमानी होती है तो उसके असरात बड़े दूरस होते जिस माशरे में सिर्फ इस हुकम की फर्मा बरदानी होने लगी कि गुनाहों गवाहों को सताया ना जाने लगा उस माशरे में अदल भी आ जाएगा इंसाफ भी आ जाएगा कतल राहतियाँ खुलेआम एक हकम को इम्प्लीमेंट करना कितनी बरकतें लाता है और एक हकम को तर्क कर देना कितने वाइड स्प्रेड दूर डिलिटेरियस इफेक्ट क्रिएट करता है अल्लाह इसके अहकाम की अल्लाह इसके सुनहरे की हिक्मतों को समझ कर इस दिन को नाफि करने वाला बन जाए एक हुकम का तो कितनी बहारें आती हैं सोच लीजिए पूरे का पूरा कुरान जब नाफिज हो गया तो माहौल कैसा हो जाएगा अल्लाह वो माहौल दिखा दे अल्लाह वो माहौल नाफिज करने में हिस्सा डालने की तोफीक अता फरमा दे अगर तुम सफर की हालत में हो दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब ना मिले तो रहन बिलकब्स पर मामला कर लो कर्ज के मामले में पहले तो कहा गया लिखो गवाह बनाओ छोटा है बड़ा है ज्यादा है कम है सुस्ती ना करो लिखो ना कातिब को सताना ना गवाह को सताना लेकिन बस औकात तुम सफर में हो सफर में तुम्हें कोई लिखने वाला कोई गवाह नहीं मिलेगा तो फिर क्या करें देखा दिन कितना कंप्लीट, है छोटी छोटी डिटेल्स तक बताई जाए कुरान से हदीस से आपको अपनी जिंदगी के हर शोबे के लिए गाइडेंस मिल जाएगी कोई शोबा ऐसा है नहीं जिसको कुरान हदीस ने वाजे नहीं किया सिर्फ इसके साथ जुड़ना जरूरी है। इसको समझना जरूरी है इसको मानना जरूरी है आपको हर तरीके की गाइडेंस मिल जाएगी जिंदगी का हर फैसला आपको इससे मिल जाएगा सफ़र की हालत में और दस्तावेज़ देखने के लिए कोई कातिब नहीं मिल रहा तो फिर क्या करो रहन कब्ज पर मामला कर लो ये क्या मामला है रहन कब्ज रहन कहते हैं मोटगेज, मरहूना चीज़ वो है जो मोटगेज में रख दी जाती है ये कब रखी जाती है दो लोग माल का लेन देन करते हैं एक शख्स दूसरे को कर्ज देता है मकरूज़ कर्ज़ लेता है मैद मुकर करती जाती है लेकिन लिखने की सहूलत और गवाहों की सहूलत मैसर नहीं तो फिर वो शख्स जिसने कर्ज लिया है वो अपने कर्ज की अदायगी को इंश्योर करने के लिए गारंटी करने के लिए एज अ सिक्योरिटी अपनी कोई पर्सनल बिलोंगिंग या अपनी कोई पर्सनल चीज़ रहन के तौर पर एज अ सिक्योरिटी रखवा देता है ये है रहन का तस्वुर ताकि माल जो लिया है उसके बदले उसके इवज़ वो शख्स जिस पर कर्ज का हक है उस मकरूज़ की सिक्योरिटी की एक चीज़ उसके पास मौजूद हो ताकि अगर वो माल की अदायगी में कमी कोताही तसाहल करे तो उसकी चीज़ ही जब्त हो सके और उस मालिक के पास वो चीज़ मौजूद हो ये भी बदमसगी में बचाने का जरिया बनेगी और ना इंसाफी और हक तलफी और जुल्म में कमी का और ततारक का जरिया बनेगी ने फरमाया कि रहन बिलकब्ज़ कर लो अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया था उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे शहादत हरगिज़ ना छुपाओ जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं गोया अल्लाह ने इस तवील आयत आयत नंबर टू एटी थ्री में वजाहत के साथ दैन और कर्ज का तरीक़ा भी बताया और कर्ज के बिल्कुल इख्तामी हिस्से में आयत दिन में मोटगेज यानी रहन बिल कब्ज का तरीका भी तजवीज कर दिया गोया रहन बिलकब्स या मॉटगेज का तस्वुर कुरान और हदीस से साबित है रहन रखा जा सकता है वो माल जो रहन के तौर पर रखा जाता है उसको शरीय इस्तेमाल में माले मरहूना कहा जाता है मरहूना चीज रहन रखी जाने वाली चीज को मरहूना चीज या माले मरहूना कहा जाता है रहन रखना जायज है लेकिन इसके कुछ हदूद कयूद और तरीके मुख्तसर अगर मैं आपको बता दू तो हमें फिकी मामला और हदीस से पता चलता है कि वो शख्स जिसके पास वो मरहूना चीज मौजूद है उस चीज की हिफाजत उस चीज की देखभाल और उसके लिए अमानत का सा एहसास रखना उस मरहूना चीज़ के मालिक के लिए ज़रूरी है जिसके पास रखवाई गई है उसको अमानत समझेगा कर्ज की अदायगी पर वो उसको वापस लौटाएगा वो पाबंद है इस चीज़ पर कि जब उसको कर्ज़ अदा कर दिया गया तो ये वापस लौटा देगा ये अमानत है जितनी देर उसके पास है उस शख्स की अमानत है उसकी हिफाजत करेगा उसकी देखभाल करेगा अपनी चीज़ की तरह बल्कि अमानत में अपनी चीज़ से बढ़ के उसकी हिफाजत करेगा लेकिन शरीयत उस शख्स को वो चीज़ जो उसके पास रहन के तौर पर रखवाई गई है कर्ज के रहन के तौर पर रखवाई गई है उसकी जो वो हिफाजत करता है उसकी जो खिदमत करता है उसकी जो देखभाल करता है उसके जो ओवरहेड्स को वो मीट करता है उसके एवज उस शख्स को उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई और ये इस्तेमाल उसका जीती इस्तेमाल हो सकता है ये बात मैं आपको मिसाल से समझा दूँ बस देखें कि अगर दो लोगों के दरमियान काफ़ी लंबे सा कर्ज का मामला हुआ और वो शख्स जिसने कर्ज लिया था उसको माल की ज़रूरत थी उसने रहन के बदले या रहन की शक्ल में अपना घोड़ा उस मालिक को जिससे उसने माल लिया था अपना घोड़ा उसको रहन में रखवा दी गाड़ी रखवा दी घोड़ा रखवा दिया कोई चीज़ रखवा दी अपनी कोई सवारी उसको रहन में रखवा दी अब वो जिसके पास वो घोड़ा रहन है वो ज़ाहिर है वो तो घोड़ा है उसको चारा भी डालेगा उसको पानी भी देगा उसको धूप छाव में बांधेगा भी उसका ख्याल भी रखेगा तो ये चारा पानी बांधने खोलने की खिदमत के इवज वो शख्स उस घोड़े पर सवारी करने का इख्तियार रखता है उसको जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है ऐसी मरहूना चीज को किसके इवज वो जो खिदमत उस चीज़ की कर रहा है उसके इवज ये उसके लिए जायज है उसके लिए गुनाह नहीं है उसके पास हक है लेकिन इस चीज को इस घोड़े को वो कराए पर चला के किसी तांगे किसी रेड़े के साथ जोत के उसके ऊपर मुआवजा लेना उसके लिए जायज नहीं है उसके लिए उतना ही हराम है जैसा सूदी माल हराम है इस मरहूना चीज पर अगर कोई आमदनी हुई कोई इनकम हुई तो इस पर उस शख्स का नहीं बल्कि उसके असल मालिक का हक हाँ है अगर उस घोड़े को कराए पर या तांगे वगैरह में जोत कर उससे कुछ माल कमाया गया तो ये माल वो शख्स जिसके पास वो मरहूना थी अगर वो खाएगा तो उसके लिए उतना ही हराम है जैसे सूदी माल हराम है ये माल असल में हक है उस मरहूना चीज के असल मालिक का एक और मिसाल देख लीजिए मसलन अगर रहन में कोई घर दे देता है अपना घर कोई कर्ज रहन के कर्ज दूसरे को कोई घर रहन में दे देता है तो जाहिर है उस घर की मेंटेनेंस होगी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बिजली का बिल गैस का बिल पानी का बिल उसके मेंटेनेंस ओवरहेड्स होंगे घरों को तो मेंटेन करना पड़ता है। इस मेंटेनेंस ओवरहेड और उसकी लुकिंग आफ्टर और खिदमत के तहत वो शख्स जिसके पास वो घर रहन है वो उस घर में रिहाइश रख सकता है उसको इस्तेमाल कर सकता है शरीयत ने उसको इजाजत दी है उसको खाली रखने पर मुकलफ़ नहीं किया लेकिन उसको किराए पर चढ़ा के उसका किराया खाना इसके लिए सोच जितना हराम है अगर उसको किराए पर चढ़ाया जाएगा तो वो किराया उस घर के असल मालिक का होगा उसका नहीं होगा जिसके पास वो रहन है ये रहन के हवाले से कुछ मोटे मोटे अहकाम है जिनको मुझे समझाने की ख्वाहिश थी बाकी इंशाल्लाह जब हम हदीस में पढ़ेंगे सही बुखारी में तो वहां ज्यादा वजह से इन चीज़ों पर बात होगी इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना तला हमें अलूमुल कुरान और अल्लूमुल हदीस दोनों ही का शौक और शगफ और अल्लाह वस्सत से इलमताफ़ फरमाए अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में और जमीन में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब जहाँ ये कुरान की आयत या ऐसे मिलते जुलते अल्फाज आए ला मुल को समावाते ले लाही माफि समाओ आते वह मतलब एक ही की है अल्लाह के लिए सब कुछ है अल्लाह ही की मलकियत है एक जगह नहीं बारहाँ आएगा जब आए तो बेसिक बात सोच लिया करें ज़मीन आसमान का ये सब कुछ उसका है तो जो मेरे पास है अगर वो मेरे नाम है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है मेरे लॉकर में मेरे जायदाद में मेरे हैंड बैग में है शायद ज़ाहिरता वो मेरा है लेकिन असल में वो अल्लाह का है उसने अपने कब्ज़ा कुदरत अपनी रिस्क की गुंजियाँ खोल कर मुझ तक पहुँचाया उसने अपने रिस्क के धाने खोलकर मुझ पर हिसाब का मामला मुझसे किया तो लिहाजा सबसे पहला काम अपनी सब खुदादाद पर शुक्र करना है जिसकी थी उसने मुझे दी मैं उसका शुक्र करूंगी मुझे अपनी हर खुदादाद नेमत पर शुक्र के बाद लाफिस समावाते वाफिल अर्ज उसका जिक्र करना है मुझे कोई एक छोटा सा तोहफा दे मुझे कोई एक छोटा सा हदिया मेरी मां ला के दे मैं पूरे ससुराल में उसका ढंडोरा पी अम्मा ने दिया था मुझे ईपे जोड़ा ऐसे होता है कि नहीं तो जो मेरे रब ने नेमत और रिस्क के खजाने मुझ पर धाने खोले हैं उसका जिक्र करना है लोगों से उस रब का तारुफ करना है ताकि वो भी उसके शुक्र की तरफ माइल हो जाए शुक्र करें जिक्र करें तकबुर की नफी करें ये सब कुछ जो मेरे पास है ये मेरा है ही नहीं ये मेरा नहीं है उसका नेमत है उसकी इनाम उसकी अमानत है कोई तकबर नहीं कोई घमंड नहीं कोई गरूर नहीं कोई फकर नहीं कोई तराना नहीं कोई चरताना नहीं आज जी जिसने दिया शुक्र है दिया फिर जब वो है उसका कराए का घर जब मेरा नहीं होता किराएदार का होता है मालिक मकान का किसका होता है मालिक मकान का क्या वो मालिक मकान के घर में रह के मैं अपनी मर्जी से उसकी दीवार उधेड़ के गिरा सकती हूँ मैं अपनी मर्जी से उसकी खिड़की यहां से पलट के वहां दरवाजा लगा सो हाँ शरीफ किराएदार तो ऐसा नहीं करते हाँ जो बदमाशी पुत्र आते हैं वो तो सभी कुछ करते हैं तो जब ये सब कुछ है मेरा नहीं है उसका तो फिर मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी जैसे वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है कि मैं वैसे इस्तेमाल कर उसकी बताई भी हदूद कयूद नाजायज हराम तरीके से मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी उसकी है अपनी आंख अपने हाथ अपने कान अपनी औलाद अपने माल अपनी सवारियां अपने ज़ेवरात, अपने लिबास अरे उसके हैं मैं उसके अहकाम उसकी मर्जी उसकी रजा उसकी हदूद और कयूद के मुताबिक इस्तेमाल करूंगी लाही माफिस समावाते वाला फिर जब है सारा कुछ उसका तो फिर मैं कुछ तो उसको राजी करने के लिए भी खर्च करूंगी उसकी रजा उसकी खुशनुदी और उसकी खूबसूरत सजी सजाई जन्नत के हसूल के लिए ये चार चीज़ें कम अज कम जरूर रिजायत के आने पर सोचें अपना महासबा करें मेरे रवैये में कमी है अपनी असलाह करें अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन का सब कुछ है तुम अपने दिल की बातें खास जाहिर करो या छुप पाओ अल्लाह अल्लाह बहरहाल उन सब का हिसाब तुम से लेगा अल्लाह ख़िसाब में भई सीरा अल्लाह दिल की गहराइयों में आने वाले आर्ज़ुओं और तमन्नाओं का भी मुहासबा करके इस्लाह करने की तोफ़ीता फरमा अल्लाह दिल के गंदे जज्बात को अल्ला दिल के गंदे जज्बात को निकाल कर अपनी मोहब्बत और तकवा तवक्कुल और कनात के जेवरात से रास्ता करने की तोफ़ीकता फ़रमा अल्लाह मखा सिपना आखसा यसीरा अल्ला बहरहाल उनका हिसाब तुमसे ले लेगा और जब हिसाब लेगा तो फिर क्या फिर उसे इख्तियार है जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सजा दे वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है वो जिसे चाहे माफ़ कर दे जिसे चाहे सजा दे वो हर चीज पर कुदरत रखता है अल्लाह तो कदीर है सबको माफ़ फरमा देना अल्लाह तो कदीर है तेरे कदीर होने का वास्ता सब सजा से बचा लेना अल्लाह हमारे लिए जन्नत का इरादा फरमा कर हमें जन्नत के परवाने अता फरमा देना अल्लाह तो कदीर है हम जैसे गुनागारों को जहन्म से बचाने की कुरत रखता है अल्ला गुनाहों से बचाने की कुरत रखता है अल्लाह गुनाहों से बचा ले अल्लाह जहन्नम से बचा ले अल्लाह अंधेरों से बचा ले अल्लाह जब कबर वाले आमान से बचा ले आमन ले रसूल ईमान ले आया रसूल शूरा अलबकर की आखिरी दो आयत, बहुत ही फजीलत वाली ये आखिरी दो आयत और इनकी फ़जीलत और इनकी अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आया आपकी ताक़द से जाहिर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त रात को ये दो आयत तलावत फ़रमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अलफ मौजूद हैं आपने फरमाया साहब फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ एक महफिल में तशरीफ़ फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और आपने फरमाया आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले नहीं खुला था आज आसमान से वो फरिश्ते और ये कौन से थे जो हजरत जिबरीली अमीन के साथ आए थे आज आसमान से वो फरिश्ते उतरे हैं जो आज से पहले नहीं उतरे थे जो बड़ी अनहोनी चीज है जो उतर रही है आसमान से आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो आज से पहले नहीं खुला था आज आसमान से वो फरिश्ते उतरे हैं जो आज से पहले नहीं उतरे थे और आज मुझे वो दो नूर दिए गए हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए फिर आपने फरमाया ये दो नूर कौन से हैं सूरा अल फातहा और सूरा अल-बकरा की आखिरी दो आयात ये इनके नजूल और इनकी शान नजूल और इनके इनके नवाजे जाने का और इनकी फजीलत का तस्करा करने के बाद आपने फरमाया उम्मत को तारुफ करवाया कि इनको पढ़ के जो दुआ मांगेगा उसकी दुआ रद्द नहीं होगी इन दोनों को ये दो नूर सूर्य फातह और सूर्य अलबकर की आखिरी दुआयात इनके शानजूल का तस्करा और इनकी जबरदस्त फजीलत के बाद आपने दुआ मांगेगा उसकी दुआ रद्द नहीं होगी तो गोया सूर्य अलफात वो तो है ही सूर दुआ और सूर्य अलबकरा की आखिरी दो आयात का पढ़ना दुआओं की कबूलियत की कुंजी आसमान के दरवाजों का दुआओं के लिए खोले जाना दुआओं का अर्श इलाही तक पहुंचाए जाने का जरिया और वसीला है अल्लाह इसका हिफसता फरमा दे आमन वल बेमा रसूल उस हदायत पर ईमान ले आया जो उसके रब की तरफ से नाजिल हुई है और जो लोग उस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी उस हदायत को दिल से तस्लीम कर लिया गोया ये आयत के पहले अलफा हमें ईमान की तरफ मायल कर रहे ईमान बिल्लाह और ईमान मुफसल ईमान मुफसल और ईमान बिल्लाह की तरफ माइल करते हैं और इसी तजदीद के साथ हमें रात को अपनी रात का अख्ताम करना है और अपनी दुआओं का आगाज़ करना है वो रात जो ईमान की तजदीद के वादों के साथ अख्ताम होगा दिन और रात का आगाज़ होगा वो दुआ जिसका आगाज़ ईमान की अहद की तजदीद के साथ होगा वह दुआ कबूल होगी ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों उसकी किताबों और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते आयत में ईमान और इस्लाम के बाद इस्लाम का अगला रंग लान लानफ्र को बीना अहादिम में रुसली ही की निशानदही की जा रही है कि ईमान लाने वाला मुसलमान इस्लाम और ईमान के दायरे में दाखिल होने वाला जब दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो फ़िरका वारीत की नफ़ी कर देता तफ्र का बाज़ी फ़िरका वारीत ग्रोह धड़े लॉबीज और मसलक परस्ती की नफी करता है वो किसी के दरमियान कोई फिरका नहीं करता ना नबियों में कोई तफरका करता है और नबियों के बाद आने वाले इमामों की भी फिर है तो नफी कर करते लानो फरको भाई नाद नहीं फिर वो क्या कहता है कौलू अत्वान। हमने सुना और हम अता करते हैं कौलो करार है इन आयात में वो कहता है कि मैं ईमान ले आया ईमान ऐसे लाया हूं कि मैं किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करता ना कुरान और हदीस में ना अल्लाह और रसूल में ना तमाम रसूलों में ना रसूल के आयमा में और उलमा में मैं किसी में तफरीक नहीं करता और मेरा रवैया क्या है मैं सुनता चला जाता हूँ कुरान से मैं सुनता चला जाता हूँ खदीस से और मैं उस पर ईमान लाता जाता हूँ उसकी अताात करता जाता हूँ यही है ईमान का तकाजा कि ईमान के बाद समय ना के बाद अतवा ना हो मैंने सुन के अब तो अतात कर ली है लेकिन पहले क्या है पहले तो बहुत कुछ बहुत कुछ गलत कराया जब मैंने ईमान नहीं कबूल किया था ना अल्लाह को मानता था ना अल्लाह की मानता था ना कुरान को मानता था ना कुरान की मानता था ना कुरान को जानता था ना कुरान को पहचानता था रसूल से मोहब्बत तो करता था रसूल का हक नहीं जानता मानता था अल्लाह तब जो मैंने बहुत से काम अतात की कमी में किएराना करब बना अल्लाह अब तो सुन लिया है, है अब तो मान लिया है अब तो अतात भी करने लगा हूँ अल्लाह पिछलों की पिछलों की बख्शिश फरमा देना क्यों फरमा देना रब्बा वाले कल मसूर अल्लाह मुझे तेरी तरफ जाना है ये है मोमिन का हाल मोमिन का माजी और मोमिन का मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक मोमिन का हाल में रवैया आमन्ना समय आना अतवाना यह है मोमिन का हाल वो सुनता है मानता है अतात करता है ये मोमिन का हाल है प्रेजेंट है माजी के साथ मोमिन का ताल्लुक सिर्फ एक होता है गुफरान का उससे माजी की बख्शिश मांग माजी के गुनाहों पर वो मायूस और ना उम्मीद हो के हाथ छोड़कर अपने हाल और मुस्तकबिल को बिगाड़ता नहीं है माजी की कमी और कुताइयों पर रोता धोता भी नहीं है माजी की कमी और कुतायों पर या साश काश हसरतें भी नहीं करता माजी के साथ मोमिन का ताल्लुक़ सिर्फ़ ये होता है अपने गुजशत ज़िंदगी के गुनाहों के लिए बख्शिश तलब करता है और उम्मीद रखता है अल्लाह से बख्शिश की हाल में अतात करता है माजी की गुनाह की बख्शिश करके और मुस्तकबिल के लिए और बना हुआ अलाइकमसी आखरत की फ़िक्र करता है रब से मुलाकात का तकवा करता है अल्लाह हाल माजी मुस्कबिल के साथ सही रवैये अपनाने की तोहफी कता फर्मा आज हमारी जिंदगी का हाल है बचपन को याद कर करके जवानी को आए जवानी कितनी अच्छी होती कॉलेज लाइफ उम्मा के घर के दिन आए मेरी जवानी मेरा हुसन हाल की फिक्र ही नहीं जवानी की यादें उदास और यहां जवानी के रोने धोने और ना मुस्तबिल की फिक्र ना हाल की फ़िक्र नहीं सही रवैया नज़र आया हाल में सुनते चले जाना खूब ख़ूब सुनना हदीस कुरान दीन सीखना सुनना फिर आमन्ना मानते चले जाना फिर अतात करते चले जाना यह है मेरा और आपका हाल माजी बहुत कुछ किया अच्छा गुजर गया बहुत अच्छा है वो कहते ना याद है माजी अज़ाम है क्या कर भुला दे मुझे हाफजा मेरा नहीं कोई अजाब नहीं है बस पिछले गुना बख्श दे आगे की फ़िक्र मुस्बिल का मामला फ़िक्र आखरत मालिक योम दीन से मुलाकात की तैयारी मैं ऐसे मिलूं कि रब राज़ी हो जाए मैं ऐसे बन जाऊं कि रब मुस्कुरा दे मैं ऐसे बन जाऊं कि रब अपना नज़ारा ता फरमा दे मैं ऐसे बन जाऊँ के हाथ में सीधे हाथा मालना मिल जाए रब बना वही कल मसूर ला युकल्फुल्लाह फसन अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता ये वही है लाइक रहा फ्दीन जैसा मिलता जुलता मसला किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता दीन के अहकाम तुम्हारी ताकतों से ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे मालदारों से ज़कात मांगी जाएगी मालदारों से जक़ात मांगी जाएगी साहिब इसताब को सदके के लिए कहा जाएगा चलने वाले को मस्जिद चल के जाने को कहा जाएगा बिनाई वाले को नाजरा कुरान पढ़ने का मुकलफ़ किया जाएगा किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा ना यहां पर ना क़्यामत में जो खड़ा हो के नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़ लो बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो लेट के नहीं पढ़ सकते इशारा कर लो इशारा नहीं कर सकते आंखों की हरकत से पढ़ लो जबान के जुम्बे से पढ़ लो लाकल्ल उ ना दुनिया में ना हशर के दिन पे अल्लाह ने जो तुम्हारे पे ताकत नहीं डाली उसका तुमसे सवाल नहीं होगा अल्लाह मासिब ना खसाब सिर हाँ मकसद वाला ही हाँ मकता सबत तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया और उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया तुम पर ताकत तुम्हारी से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा लेकिन फिर जो तुम अपने हाथों से अपने लिए कमाओगे ना तुम्हारे काम वही आएगा दूसरों की कमाईयां तुम्हारे खाते पल्ले में नहीं डाली जाए ओलाद नेकोकार से नेकोकार हो जाए वालदेन के खाते में उन्हीं की नहीं किया जाए अल्लाह यह कि औलादों ने वालदेन से सीखा हो वो सदका जा रहा है वालेन दादा दादी दा नाना नानी तहजद गुजार गुजर गए और लादे फरमान सरकश होगी दादा दादी काम नहीं आएंगे वो उसका तहजद वो उसका रोज़ा वो उसका सदका वो उसी के काम आएगा हाँ इल्ला ये कि उसकी मिसाल सीख कर इसने उसके लिए सदका जारिया बन गया ल का सबत वाले ही हम अखता सबक रब बना ला तो आखिज ना इन्ना सीना है हमारे रब मुआस न कर पकड़ना ना अगर हम भूल गए या हमने ख़तएँ की अल्लाह जुबान अल्लाह जो हमसे ख़तें हुई दरगुजर फरमा दे रबना ला तो आखिस्ना इन्ना सीना या अरहमर्राहमीन जो हमने कमियाँ कें जो कुताहियाँ कें जो भूल चूक हुआ जो नसीान हुए अल्लाह जो गुनाह हमसे सरजद हुए जो हकूक़ में कमियां हमसे हुईं अल्लाह तेरे बंदों के हकूक़ में कमियां हुईं अल्लाह तेरे सबसे अव्वल दर्जे के बंदों के हकूक़ में कमियां हुई वालदेन के हकूक़ में कमियां हुईं अजवाज की तरबियत में खताएं हुई अल्लाह हकूक़ लिबाद में जहाँ खताएं और नस्यान से मामला हुआ अल्लाह उस पर पकड़ना करना अल्लाह उस पर पूछ गिछ ना करना अल्लाह उस पर मुआजा न करना अल्लाह हमारा हिसाब आसान ले लेना रबाना वाहमिन कमा हमल तो वजीन अमिन कब लेना यार हम, हम पर हमारी ताकतों से ज़्यादा बोझ ना डालना अल्लाह तू अलीम है तू खबीर है तू हमारा ख़ालिक भी है हमारा मालिक भी है हमारा राजिक भी है तो मेरे मेरे असाब को मेरे हवास को मेरी सलाहियतों को मेरी ताकतों को मेरी बीमारियों को मेरी हर हैसियत को जानता है अल्लाह मेरी ताकत से ज़्यादा हम पर बोझ न डाल अल्लाह हमारे असाब से ज़्यादा हमारे अजाब तोड़ असाब न देना अल्लाह हमें मुश्किल में ऐसी में मुबला न कर देना कि हमारे हवास पे गालिब आ जाएँ अल्लाह हमें अपने हालात पे गालिब रखना हमारे हालात को हम पर गालिब न कर देना ारमरामीन अपने पसंदीदा साहबा इक्राम जिनसे तू राजी हुआ वो तुझसे राज़ी हुए अल्लाह उनको तो तूने खूब ख़ूब आजमाया हमें वैसे नाजमा लेना अल्लाह हमारे ईमान कमज़ोर है अल्लाह हमारे ईमान बड़े कमज़ोर हैं हम बड़े बेसब्रे हैं बड़े थोड़े थोड़िले हैं अल्लाह वैसे नाजमा ले अल्लाह हजर समैया जैसा अजाब अल्लाह हजर यासर जैसी आजमाइश अल्लाह हजरत बिलाल हफशी जैसी आजमाइश हजरत खबा बिनर्थ जैसी आजमाइश काबिल नहीं अल्लाह सुबहाना ताल अल्लाह सुबहाना ताल हमें हमें वैसे ना आजमा देना अल्लाह मन आहू सुब का बिन सवाल नमत कल्ला तेरी नमतों के जवाल से भी पना माँग दे अल्लाह अपनी नमतों की कमियों से भी ना आजमाना अल्लाह अपनी नाराज़गी से भी ना आजमाना यार हम और हमरा अपने अजाब और अपनी तंगियों से भी ना आजमाना और अल्लाह हर हाल में ईमान में साबित सबित फरमाना अल्लाह सबर भी सबर भी तो उससे मांगते हुए खौफजदाएँ सब्र मिल गया तो कहीं साबिर बन के आजमा न लिए जाएं अल्लाह आजमा न लेना रबना वाल तो हम मिलना माला तो अका तला ना भीला सुबह ताफ़ फरमा दे अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे यहाँ राहम हमारी ज़िंदगी का जो दौर इस क़ुरान से दूरी में गुजरा अल्लाह उस दौर की कुतियों को माफ़ कर दे अल्लाह उस दौर की लाइलमियों को माफ़ कर दे अल्लाह उस दौर के गुनाहों को दरगुजर फरमा दे यार हम और राहमीन जो हमसे कमियाँ कुतियाँ अल्लाह अल्ला हुई अपनी नजर से वो भी माफ़ फरमा दे मा नफुन तो है माफ़ करने वाला है कदीर है तुझे तेरे या फदिर होने का वास्ता अल्ला सब के सारे गुना बख्श दे अल्लाह सारे खतए भूल शोक सब माफ फरमा दे अल्लाह यहाँ पे महफिल में सबके सारे कमियाँ कुतियाँ माफ़ फरमा दे अल्लाह सुबह त कमी महफ़िल बर्खास्त होने से पहले अपनी माफ़ी का परवानाता फरमा दे इस कुरान को पढ़ने शुरा बकरा को पढ़ने सीखने सिखाने में कुछ कमी हुई तो अल्लाह उसको दरगसर फरमा ले अल्लाह दानिशा नहीं कि अल्लाह गैर इरादी तौर तो पर भूल चूक से इसके तलफ़ में इसकी अदायगी में इसके अहकाम की तरसील और तबलीग में कमी हुई तो वना फरमा देना वाक़िर लाना यामहमिन या ग़फ़ूर रहीम हम सबको बख्श दे अल्लाह हम सब को बख्श दे अल्लाह सुबहान तब को बख्श दे गफूर सब को बख्श दे गफ़ार सबको बख्श दे या ग़फ़ूर रहीम रहमतों से ढाँप के अपनी बख्शिश का परवाना सबको ताफ़रमंद अल्लाह छोटों को बख्श दे बड़ों को बख्श दे अल्लाह जवानों को बख्श दे बूढ़ों को बख्श दे अल्लाह छोटे गुनाह भी बख्श दे अल्लाह बड़े भी बना बख्श दे अल्लाह जबाना अल्लाह वो गुनाह जो हमने ला आमी से किए उनको भी बख्श देना और यार हम हमरा हमने कुछ गुनाह जो जानते पूछते भी अल्लाह जिद से किए उनको बख्श दे यार खबुरमीर जो ढिटाई में किए यार खबुरमीर गफूर और रहीम उनको भी बख्श देना या अल्लाह या रहीम अल्लाह सुबहान तला हमने अपनी अना का मामला बना के जो कमियां कुतियाँ तेरी जनाब में की अल्लाह उस सनानियत के किए हुए गलत रवैयों को भी पक्ष देना यार खमुरमीन हम हमारी नमाजों की कमियों को बख्श दे अल्लाह रोज़ों की कमियों को बख्श दे, दे हमारे माल की मोहब्बत के गंदे रवैयों को बख्श दे हमारे हकूक इबाद की कमियों को दरगुज़र फरमा दे अल्ला सारी कोतियों को बख्श दे हस्तकबर उबीनकुल्ले जमबिन व तूबोल इकबना जुलमना इन फना वही लमता फिर वह तरह नकु निन अल्लाह फिर लाना वलमुमिनी ना वलमुमिनमुस्लिमीना वलमुसलि अल्लाह फिर लना वमना वाफिना वरफना व हमना अल्लाह सब पर रहम फरमा अल्लाह सब पर करम फर्मा अल्लाह सब को अपनी रहमतों से ढांप ले अल्लाह सब को अपनी बरकतों से नवाज़ दे अल्लाह सब को अपने इनामात से माला माल फरमा दे अल्लाह हमें अपनी हिकमत और दानाई अता फरमा अल्लाह अपनी रहमतों से अपनी नज़र रहमत से अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को बख्श देना अल्लाह सुबहाना तला हमारे गुनाह बहुत ही ज्यादा है बहुत बड़े भी हैं बड़े कसीर भी हैं पर तेरी रहमत से मायूस नहीं है अल्लाह सब को अपनी रहमत से सब के गुनाह बख्श देना अल्लाह सुबहान हमारी नेकियां बहुत थोड़ी भी हैं अल्लाह बड़ी नाकिस भी हैं या रहमान बड़ी छोटी भी हैं टूटी फूटी भी हैं अल्लाह अपनी रहमतों से उनको कबूल कर लेना अल्लाह अपनी रहमतों से उन नेकियों को कबूल फरमा लेना और अल्लाह अपनी नज़र रहमत फरमा के उन नेकियों का कई गुना बढ़ा के अजर अता फ़रमा देना और वम ना अल्लाह सब पर रहम फरमा अल्लाह सब को सबके घरों पर, अल् को अल्लाह सुकून का गहवारा बना दे अल्लाह हमारे घरों पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा हमारे दारों पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा इस माशरे पर मुल्क मिल्लत पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा अल्लाह सुबहाना तआला दिलों को सकीन फरमा अल्लाह घरों को सुकून का गहवारा बना अल्लाह बीमारियों को गम परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह अपनी रहमतों से ढाँप ले अपने गजब से बचा ले अपनी सजाओं से बचा ले अल्लाह अपनी रहमतों से अल्लाह जुबाना ताली हमारे घरों में मोहब्बतें ही मोहब्बतें कर दे अल्लाह अपनी रहमत से अपने रहम अपने करम और फसल से घरों के कीने फ़ितने फ़सात और झगड़े दूर करके दिलों को जोड़ दे अल्लाह अपनी रहमतों से सवाले और लाद अता फ़रमा दे या रहमान अपनी रहमतों से हमारे घरों के सारे मुश्किल को दूर फरमा दे अल्लाह ये बंदियाँ तेरे दीन का काम करने वाली है तेरे कुरान और तेरे दीन से मोहब्बत रखने वाली है अल्लाह सब को अपनी रहमतों से ढांप के इनके सारे मसले मुश्किल गम परेशानियाँ दूर फरमा दे अल्लाह बीमारों को शिफाए आजिला मिलाता फ़रमा दे अल्लाह बीमारों को शिफाए का मिलाता फ़रमा अल्लाह बीमारों को ऐसी शिफाता फ़रमा कि बीमारी का शाइबा भी ना रहे अल्लाह बीमारों की बीमारियों की पहचान भी तबीबों को फरमा दे Allah, उनकी दवाओं को उनकी शिफा का ज़रिया भी बना दे अल्लाह उनकी बीमारियों में अल्लाह उनकी बीमारियों में उनको अपनी रहमतों से ढांप कर ईमान ताफ़रमाना उनकी बीमारियों को उनके गुनाहों को झाड़ने का और उनकी बख्शिश का ज़रिया बनाना या रहमान रहम फरमान तमाणा अल्लाह तू हमारा मौला है अल्लाह हमारे शिकवे हमारे शिकायतें हमारे रोने धोने हमारी हाजतें हमारी दुआएं सिर्फ तेरे आगे हैं अल्लाह तेरे इलावा किसी और के आगे झोली नहीं फैलाते अल्लाह अपने अलावा किसी और का मोहताज न करना यार हम में हमें और हमारे घर में हमारी औलादों में अल्लाह माली तौर पर जिस्मानी तौर पर अल्लाह माशी तौर पर अल्लाह बीमारियों में अल्लाह किसी किसी हाल में अल्लाह अपने अलावा किसी और का मोहताज ना करना अल्लाह हमारा वली बन जा, जा। अपनी वलायत अता फरमा अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा अल्लाह अपने महबूब बंदों की सब में दाखिल फरमा अल्लाह हमसे मोहब्बत कर और हमें मोहब्बत का तरीक़ा सिखा अल्लाह हमसे राज़ी हो और हमें राज़ी रहने वाला बना अल्लाह हमें नेमतों से नवाज़ और नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना अल्लाह वली बन जा Allah अपना कुर्बता फरमा अल्लाह अपनी वलायत अता फरमा अंसुर अलल मिल्का फ्रीन अल्लाह सुभान अल्लाह फिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा अल्लाह काफिर कौम के ख़िलाफ़ हमारी मदद फरमा ये काफिर जो दाएं बाएं से शुमाल मगरब जनूब से उमट उमट के आ रहे अल्लाह पाकिस्तान का उम्मत मुस्लिम का मुहाफिज बन जा अल्लाह इस्लाम की ताकतों का मुहाफ़ और निगरान बन अल्लाह मेरे इस खूबसूरत मुल्क को अमन अता फ़रमा दे इस ज़मीन के को अल्लाह अमन और इसकाम अता फरमा दे अल्लाह इसको हर बहरान से निजात अता फ़रमा दे अल्लाह मेरे इस खूबसूरत ख़त्े की सरहदों की हिफाजत फरमा अल्लाह इस खूबसूरत ख़िता जो तूने ने हमें अता किया इस पर नफाज इस्लाम की बहार भी दिखा इस्लाम के झंडे लहरा दे इस्लाम के कवानीन नाफिस फरमा दे इस्लाम की हदूद नाफिस फरमा दे फनसुना ललका विल्का फिरीन अल्लाह जो तूर बकरा पढ़ी उसको हमने जो पढ़ा जो पढ़ाया उसको कबूल फरमा लिया अल्लाह जो पढ़ा पढ़ाया सीखा सिखाया सुना सुनाया, अल्लाह उसको कबूल फ़रमा ले अल्लाह उसकी कमियों को ताइयों से दरगुजर फरमा दे अल्लाह इसका इल्म हमारे लिए बायस बरकत बायस हदायत और बायस बख्शिश बना दे अल्लाह इस सूरा बकरा की जो तलावत और इसकी जो तालीम की नशस्तें हुई, अल्लाह इस सूरा बकरा की मोहब्बत को अल्लाह दिल में बसा दे इसका हिपसता फरमा दे अल्लाह सूरा बकरा का हिफ्स ताफ़रमा दे इसके हिफ़्स में रसूख ता फरमा दे अल्लाह ऐसे हो कि तू हमें क़यामत के दिन हमारा आमा लामा हमारे दाएँ हाथ में पकड़ा के कहे कि पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ सूरा बकरा कुहान पढ़ के हम जन्नत के बाला खानों तक चढ़ने वाले खुशनसीब बन जाएँ अल्लाह अल्लाह क़्यामत के दिन ये हमारे हक़ में झगड़ा करने वाली बन जाए इस पर ऐसा अमल ताफ़रमा इसके अहकाम पे ऐसा शराह सदर होकर अमल करने वाला बना कि हमारे लिए साय का ज़रिया बन जाए इसको पढ़ें तो हमारे घर बातिल ताकतों से महफूज हो जाए हमारा दिल शैतान की उकसाहटों से अमन में आ जाए अल्लाह इसके रंग में अपने घरों को रंगने की तोफ़ी का फरमा अल्लाह इस शरा बकरा की तकमील पे हमें सहाबा इक्राम के से रवैये अपनाने और उनकी तजदीद की तौफीक कता फरमा आमीन सुम अमीन शरा बकरा की तकमील आप सब को मुबारक भी हो बस एक जवाब दोहरा तो लीजिए बकरा की तकमील पर सात दफ़ा अल्लाबना वक़ल हम्द पढ़ने की ताकीद मौजूद है اللهم ربنا ولك الحمد 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 اسكتاك راز تبدو لابن أمرك أن نمونه هل शराब बकरा की तफसर सात साल में मुकम्मल की और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने शराबरा की तफसर की तकमील पर सेवनटीन सत्रह ऊँट कुर्बान किए अल्लाह हमें भी इस नेमत की कदरदानी अमली जबान और दिल की हालत से इसकी शुक्रगुजारी की तोहफ़ी कता फरमा और पाना ला नाल तुज़लूबाना अल्लाह तेरे दीन की इस महफ़िल में दिल बड़ा ही सीधा तेरी अतात की तरफ माइल हो जाता है इस महफ़िल के बर्खास्त होने के बाद दिलों को कजी से बचा लेना रबा तुझे तुज़ेबा बड़ा दा इज़हता वबला ना मिल्ला तो उनका रखमा इन्ना का अंतल वहाब सुबह ना वब نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين